बाद बनी मंगल गुरु की युति, वृषभ में मंगल गुरु की दिखी जुगलबंदी, 45 दिनों के अंदर कितनी मौज काटेगी, आकस्मिक धन लाभ या फिर छापेंगे नोट, सेहत और रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सुनिए कितनी शुभ और अशुभ है मंगल गुरु की युति। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव। नमस्कार कविता जी। तो ग्रह गोचर की दुनिया में एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि 12 साल बाद जाकर शुक्र के घर में वृषभ में बन रहा गुरु और मंगल की जो चमत्कारी युति है वो आप लोगों के लिए क्या कहती है। बात हम कर रहे हैं कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे इस युति के चलते आपकी सेहत, आपका धन धान्य, आपका काम कारोबार और आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं और ये युति आपको कितनी सकारात्मक और नकारात्मक तौर पर प्रभावित करेगी आने वाले 40 दिनों के अंदर अंदर। तो आइए सबसे पहले मंगल गुरु की इस चमत्कारी और विशेष युति के बारे में जानते हैं, बताएं। देखिए दर्शकों, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एकादश भाव में आपके विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए 11वें घर में यह युति निर्माण हो रही है। 11वें घर में युति निर्माण के साथ आपके ही घर में कर्क में ही शुक्र और बुध यथा स्थिति बैठे हुए हैं, महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन शुक्र और बुध तो गोचर कर जाएंगे क्योंकि ये एक छोटे गोचर में यहाँ पर विराजमान रहेंगे और अगले भाव में गोचर कर जाएंगे। लेकिन 40 दिनों तक जो है मंगल शुक्र यथा स्थिति रहेंगे और साथ ही साथ शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव पीड़ित भाव माना जाता है और इसके साथ ही नवम भाव में राहु। तो बहुत कुछ इस 40 दिनों में कर्क राशि वालों के लिए परिवर्तन का समय लेकर आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल देंगे। जीवन की दशा और दिशा को परिवर्तित करने का ये महायुति निर्माण हो रही है और आप तैयार रहिए दोनों तरीके से, सकारात्मक तरीके से भी बदलाव के लिए, नकारात्मक बदलाव के लिए ही। जिस तरीके का आप व्यवहार करेंगे, आचरण लाएंगे, वैसा ही गुरु और मंगल युति फलित आपको एकादश भाव में बैठकर देंगे। चलिए, ये तो हमने आचार्य जी से समझ लिया कि ये युति क्या कहती है और अब आइए इसी युति के चलते आपकी सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। देखिए सेहत के लिहाज से देखा जाए तो मंगल और गुरु जो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठने के साथ ही अगर देखा जाएगा तो यहाँ से विशेष करके पंचम जो दृष्टि आ रही है वह केतु पर आ रही है। केतु पर पंचम दृष्टि आने से तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में आने से और लग्न में ही शुक्र और बुध विराजमान होने से स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं मिलेगी और केतु पर गुरु की दृष्टि होने से केतु का भी जो प्रभाव है वह भी क्षीण होगा, जिससे कि स्वास्थ्य धन की प्राप्ति इनको होगी, स्वास्थ्य आपका मजबूत होगा, आपके लिए स्वास्थ्य लाभप्रद स्थिति में रहेगा। चलिए अब सेहत के बारे में जाना और अब रिश्तों की बारी आती है और जान लेते हैं कि आपके प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन पे ये युति कितना असरदार रहेगी। देखिए नवम दृष्टि जो है, नवमी दृष्टि जो है गुरुदेव की, वह प्रभावित करेगी इनके रिश्तों को। सप्तम भाव जो है कर्क का वह है शनि का स्थान और कर्क के लिए शनि कभी भी बहुत अच्छा फलित नहीं हुए हैं। दूसरा, शनि अष्टम भाव में विराजमान है तो सप्तम भाव शनि का घर होते हुए वैवाहिक रिश्तों में तनाव आएगा, तनाव मिलेगा इनको। और अगर कहीं से लीगलिटीज वगैरह में फंसे हुए हैं, कानूनी दांव पेच में यह संबंध को लेकर कहीं फंसे हुए हैं, चाहे किसी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगा हो या पति पत्नी के रिश्तों में कानूनी अड़चन आई हो, ऐसी स्थितियों में मानसिक पीड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि मंगल और गुरु एकादश भाव में विराजमान है, धन भाव में विराजमान होकर वहां से जो गुरु की नवम और दसम दृष्टि पड़ रही है, वह नवम और दसवां जो उनका प्रभाव है वहां से देखा जाएगा कि इनके सप्तम और अष्टम भाव को पूर्णतया प्रभावित कर रहे हैं, पूर्ण रूप से यहाँ पर इनके प्रभाव को दिखाई दे रहा है। तो यह मंगल और गुरु युति इनके रिश्तों को बचा लेगी और इन 41 दिनों में अगर रिश्तों में दरार की वजह से, कानूनी उलझन की वजह से दूरियां बनी है तो अगर उसको भरने का प्रयास करेंगे तो गुरुदेव और मंगल की युति से वह रिश्ते की दरार भी भर सकती है, यानी रिश्ते एक बार पुनः
सुधार में आ सकते हैं, करीबियां बढ़ सकती हैं इस 40 दिनों में। चलिए, अब तक हमने अजय जी से जाना आपकी सेहत के बारे में, रिश्तों के बारे में, और इसी कड़ी में आप बात करते हैं कि आपका काम धंधा, आपका काम कारोबार इस युति से कितना आगे बढ़ेगा, आप कितनी तरक्की करेंगे। देखिए, नवम भाव राहु बैठे हुए हैं और दशम भाव मंगल का ही है और एकादश भाव पर युति का निर्माण हो रहा है, और युति का निर्माण होते हुए भी गुरु का और मंगल की दोनों की अब सामूहिक दृष्टियां पड़ेंगी हर घर पर। तो मंगल और गुरु की जब युति दृष्टि पड़ेगी तो कई चीजों में परिवर्तन आ जाएगा, जैसे कि नवम भाव भाग्य स्थान पर राहु बैठने से यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा आकस्मिक रूप से कोई हानि दिखा सकते हैं, दिला सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही मंगल गुरु का जो प्रभाव है वह इनको आर्थिक रूप से यानी कि नौकरी और व्यवसाय में स्थिति इनकी मजबूत करेगा। कैसे करेंगे कि अगर लंबे समय से किसी व्यवसाय में तनाव चल रहा था, पैसे विवादित थे, फंसे हुए थे, तो आकस्मिक रूप से वह विवाद शांत हो सकता है, सुलझ सकता है, इनके फेवर में आ सकता है और इनको अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके विपरीत अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं, आपके ऊपर किसी आरोप प्रत्यारोप की वजह से आपकी सीट परिवर्तित कर दी गई है या कुछ दिन आपको सस्पेंड, जैसे कुछ केसेस में लोग हो जाते हैं, कई लोग इस स्थिति में होंगे, तो अगर कहीं से भी आप फंसे हुए हैं, नौकरी पर आँच आ चुकी है, तो इस 40-41 दिन में अगर आप एक सही दिशा को लेकर, क्योंकि गुरु हमेशा जो है वह सत्कर्म को फलित करता है यानी सही कर्म को फलित करता है, तो अगर आप इस समय अपने परिश्रम को बनाकर रखेंगे, दृढ़ निश्चय करके रखेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे तो वहां से भी मुक्ति मिल सकती है, शुभ फलित हो सकता है। कविता जी, चले इसी के साथ आचार्य जी, क्या लगता है आपको धन धान्य के मामले में ये युति इनको कितना कुछ देके जाएगी, इनकी जेब को कितना भरेगी? देखिए, एकादश भाव पर ही मंगल और गुरु की युति निर्माण हो रही है। एकादश भाव धन भाव कहलाता है। धन भाव में जब भी शुभ ग्रह बैठते हैं, और दोनों शुभ ग्रह हैं, मंगल भी भूमि भवन अस्थाई संपत्ति इत्यादि का कारक है, गुरु भी घर निर्माण, घर के रहने के लिए भवन निर्माण इत्यादि का कारक है और गृहस्थ सुख का कारक है, तो ऐसी स्थितियों में दोनों की युति जो है आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए, तो आर्थिक रूप से निसंदेह यह गोचर, यह युति निर्माण अत्यंत शुभकारी रहेगी। कविता जी, चलिए तो इसी के साथ जाते जाते क्या कुछ उपाय हैं जो इस दौरान आपको करना जरूरी है ये भी जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के हैं, चंद्रमा की प्रधान राशि हैं आप, और व्यवहारिक और संबंधों में, व्यवहारिक संबंध, आपके सामाजिक संबंध और अपने व्यक्तिगत संबंधों के लिए इस 40 दिनों में स्वभाव को थोड़ा सा परिवर्तित करने के लिए कुछ उपाय कर लीजिए। क्या करना है आपको, आपको इस समय क्योंकि पराक्रम भाव में केतु बैठे हुए हैं, अगर आप देखेंगे, और जो है मंगल और गुरु की युति बनी हुई है द्वादश भाव में, ऐसी स्थिति में अगर आप केतु और मंगल को और मजबूत, क्योंकि मंगल शत्रुगत भाव में है, तो ऐसी स्थितियों में आप हमेशा घर से निकलते हुए लाल चंदन का तिलक करें, कुमकुम का तिलक करें, कुछ ना हो सके तो हल्का सा प्रातःकाल स्नान करने के बाद अगर अटपटा लगता है, कुछ लोग इसको भी बुरा मानते हैं समाज में चंदन लगा करके निकलने से, तो आप कुछ मत करिए, हल्का सा लाल कुमकुम या चंदन नाभि पर स्पर्श हल्का सा कर लीजिए, यह आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। चलिए तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि 12 जुलाई से बन रही यही गुरु और मंगल की युति आप लोगों के लिए कितना हितकर में है और कितनी अशुभकारी है। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।